नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की जो है समस्या पर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। और जब बात पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की राजनीति के उतार चढ़ाव की हो तो वहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल की चर्चा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या मूलतः इतिहास में धर्म की, वर्तमान में भूगोल की और भविष्य में अगर देखा जाए तो अस्तित्व को लेकर के एक लड़ाई है। यद्यपि धर्म का भाव यहाँ पर कुछ भूभाग में स्थापित धार्मिक जो है क्षेत्रों को लेकर के तो रहा ही है, लेकिन वर्तमान समय में जो टकराव, युद्ध और पूर्व के जो युद्ध और आक्रमण रहे हैं वो धर्म के आधार पर ना हो करके जो क्षेत्र के आधार पर और वर्चस्व को लेकर के जो है हमेशा से रहा है। पिछले कुछ समय से वहाँ पर एक युद्ध जैसी या युद्ध ही मान करके चल सकते हैं कि स्थिति बनी हुई थी, लेकिन एक सुखद समाचार यही है कि दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम करने का निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ पर यह बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि यदि युद्ध विराम हो गया है तो क्या फ्यूचर में या भविष्य में जो भी तनाव या जो भी समस्याएं आ सकती हैं क्या वो अब नहीं आएंगी। इस बात का भी मूल्यांकन करने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को भी उलटना होगा और उसके पृष्ठभूमि में हम दोनों ही बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मूलतः उस क्षेत्र में जहां पर आज की डेट में इजराइल और फिलिस्तीन अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं उसकी समस्या ईसा पूर्व से ही जो है रही है। 72 ईसा पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर जो है अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित कर लिया और ऐसी स्थिति में वहाँ पर रहने वाले जो भी यहूदी संख्या के लोग थे उन्हें बाहर जाना पड़ा। यद्यपि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा रही है, लेकिन उस समय ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होने के कारण से यहूदियों को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। इस घटना को अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इतिहास में जो है एक शब्द से जो है देखा जाता है जिसे एक्जोडस कहा जाता है, बेसिकली इजिप्ट से बना हुआ है। जब ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया वो 72 BC बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व जो 72 ईस्वी में, तो ऐसी स्थिति में यहां से यहूदियों को जाना पड़ा और वो दुनिया के अलग अलग देशों में, यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज में जाकर के बस गए। इस घटना को इतिहास में इस शब्द से और इस अवधारणा से जो है जाना जाता है। इसके बाद ये पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के बस जाते हैं और इनके प्रति एक विशेष प्रकार की भावना लोगों में घर कर जाती है कि यह एक ऐसी कौम है, एक ऐसे समुदाय, एक ऐसी जातियों के लोग हैं जो किसी के ऊपर जो है भरोसा नहीं कर सकते और ना ही कोई इन पर भरोसा करे। तो इस तरीके की एक जो है एंटी का भाव उत्पन्न हो गया और इस घटना को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। एंटी सेमिटिज्म ये भाव कहा जाता है जो कि यहूदियों के जो समूह थे उनके प्रति लोगों के जो है नकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करता है। इसके चलते ये जहां पर भी यूरोप या अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज में थे वहां पर इन्हें अपनी पहचान स्पष्ट करनी होती है, अलग अलग प्रकार के इनके लिए शर्तें निर्धारित होती हैं। तो जब ये वहां पर यूरोप के विभिन्न कंट्रीज में काम करते थे, जैसे जो सेना में काम करते थे उनके लिए जो एक स्टार लगाने की बात कही गई कि वो एक स्टार लगाएंगे और ऐसे लोगों को डेविड स्टार के नाम से जो है जाना गया। डेविड स्टार, इन्हें जो है डेविड स्टार कहा गया। ये सेना के लोग थे। एक यहां पे शब्दावली की एक सीरीज है जो आप देख रहे हैं ऐसा ही जो है बनता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से सेना में काम करते रहे। यहां पर एक व्यक्ति है थियोडोर हर्जल, इनका उल्लेख करना आवश्यक है। थियोडोर हर्जल यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक राष्ट्र के रूप में जो है इजराइल और इजराइली जो है सेना के न्यू का जो एक सैद्धांतिक आधार रखा, न्यू का एक सैद्धांतिक आधार रखे। ये वियना में पहले काम कर रहे थे। वियना यूरोप का कंट्री है जहां पर ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन इसी एंटी सेमिटिज्म के कारण से इन्हें फ्रांस जाना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये थी कि 1890 में वहां पे रूस और फ्रांस के बीच एक गृह युद्ध की स्थिति बनी और इस युद्ध का परिणाम जो है फ्रांस में नहीं रहा और इसकी जो जिम्मेदारी एक यहूदी जो है सैनिक के ऊपर दे दिया गया। इस जो युद्ध में फ्रांस की हार हुई
तो उसके लिए एक जो है यहूदी सैनिक को जिम्मेदार ठहराया गया और थियोडोर हर्जल वहां पर थे और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में थे और इन्होंने उस पूरी घटना को कवर किया और इसके बाद इनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि क्यों ना दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले यहूदी लोगों को मिला करके एक राष्ट्र या एक देश की कल्पना किया जाए, उसे जमीन पर उतारने का प्रयास किया जाए। इनके इसी भावना के जो चलते ही यहाँ पे 1897 ईस्वी में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट एक्चुअली एक शब्द एक ऐसे भाव को व्यक्त करता है जो कि पवित्र शब्द या पवित्र भाव को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि यहूदियों के लिए एक ऐसे देश या ऐसे पवित्र भूमि होना चाहिए जिन्हें वो राष्ट्र के रूप में बना सके और वहां पे वो रह सके। तो इसी भाव को व्यक्त करने के लिए वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की जो है स्थापना किया गया और इसके माध्यम से दुनिया भर के जो भी यहूदी थे वो इंटीग्रेट यानी कि एकत्रित होना शुरू हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए। यद्यपि 1904 में जो है थियोडोर हर्जल की जो है मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ये कारवा इनका बढ़ता रहा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस क्षेत्र में ब्रिटेन एक मोर्चे के रूप में था और उसे सहयोग की आवश्यकता थी और उसके लिए जो है यह संगठन और यह समुदाय सामने मिला जिसे 1917 ईस्वी में वारफोर समझौता हुआ। वारफोर समझौते में ब्रिटेन ने यहूदी समुदाय के लोगों को यह जो है आश्वासन दिया कि यदि वह युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करता है तो युद्ध जीतने के बाद वह फिलिस्तीन के क्षेत्र में इजरायलियों के लिए जो है या पूर्व में जो भी यहूदी के लोग थे उनके लिए एक राष्ट्र की जो है स्थापना कर दिया जाएगा। उसी शर्त के तहत यहूदियों ने जो है इनकी सहायता किया, लेकिन ब्रिटेन की युद्ध जीतने के बाद भी जो है इस तरीके के शर्त को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उसकी भावना ब्रिटेन यहूदियों के प्रति थी। उसकी भावना जो है यहूदियों के प्रति थी और यहूदियों के इस क्षेत्र में बसने में उसने जो है सहयोग दिया, इन्हें संसाधन दिया और पूरी दुनिया से लोग धीरे धीरे यहाँ पर बसना शुरू हो गए। तो अगर देखा जाए तो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का एक पीरियड था। इस बीच में यहाँ पर दुनिया के अलग अलग छोर से यहूदी आकर के जो है बसना शुरू हुए और जब बसना शुरू हुए तभी यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय या जिसे अरब समुदाय या जिन्हें वर्तमान में फिलिस्तीन कहा जा रहा है, फिलिस्तीन राष्ट्र के नाम से है, उनका जो है विरोध शुरू हो गया, उनमें तनाव शुरू हो गया, उनमें झड़प शुरू हो गया और युद्ध या इस तरीके की जो है संघर्ष की स्थिति बनने लगी। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना थी जो कि वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस के रूप में यहूदियों को जोड़ने में काफी मदद करती है, वो ये थी कि 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी में जो है सत्ता प्राप्त कर लेता है और उसका जो है एकमात्र लक्ष्य ये था कि हम यहूदियों को समाप्त कर देंगे और उसने लाखों यहूदियों को जो है समाप्त भी कर दिया। बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, सभी का जो है हो गया। तो इस तरीके से पूरी दुनिया से लोग वहां से भागकर एक ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए जिसका कि जो है बाद में इजराइल के रूप में उदय होता है। तो यहां पर इसके कारण से, हिटलर के कारण से लोग जो है फिलिस्तीन के क्षेत्र में आकर के बसना शुरू हो गए। अब यहां पर यह घटना होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है कि ब्रिटेन इस क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखने में जो है कठिनाई का सामना करना शुरू किया। तो उसने जो है इस मामले को ले जाकर के यूएनओ में रख दिया जो कि उसी समय जो है वो बना था विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के रूप में था। तो यूएनओ में जब ये मामला पहुंचता है तो यूएनओ वहां पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन कर देता है और इसी के चलते यहां पर 14 मई 1948 ईस्वी को
अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो है इजराइल का उदय होता है। तो ये थी पूरी कहानी इजराइल के उदय होने की, जिसमें जो है बीसी 72 से ही जो है घटना शुरू हो जाती है। जोटस एंटीसेमिटिज्म डेविड स्टार थियोडोर हर्जल जो कि इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका एकत्रित करने में इनको अदा करते हैं, और फिर 1897 ईस्वी में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस बनता है, 1917 ईस्वी में वार्सो समझौता होता है, और 1920 से 45 के बीच में पूरी दुनिया से विभिन्न देशों में रहने वाले यहूदी यहाँ पर आकर के एकत्रित होते हैं, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में जो है ये मामला जब ब्रिटेन के द्वारा यूएनओ में लिया गया तो यूएनओ ने वहाँ पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसी के चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल का एक यहूदी राष्ट्र के रूप में उदय होता है। यहां पर ये ध्यान में रखना है कि ये तो पूरी घटना थी इजराइल के उदय होने के पूर्व की। अब हम उन बातों को भी जो है यहां पे लाना चाहेंगे जो कि इसके बाद घटित हुई, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान है कि भारत का संबंध जो है इन दोनों देशों से किस तरीके के रहा है, इस चीज को समझना आवश्यक है। यद्यपि जो अभी तक की हमने बातें देखी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके उत्तर को लिखने के लिए एक ऐसा बैकअप प्रदान कर सकता है जिसमें आपका उत्तर अत्यंत प्रभावी हो सकता है और आपके आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में सफलता आपको प्रदान कर सकता है। तो यहां पर जब इजराइल का द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर जो उदय हुआ तो ब्रिटेन यहां से चला गया, और 1948 ईस्वी में आपका जो जॉर्डन है, सीरिया, लेबनान, इसी तरीके से सऊदी अरब, मिस्र, ओमान जैसे कई राष्ट्र मिल करके जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करते हैं, कुछ दिन तक युद्ध चलता है, और उसके बाद जो है ये इजराइल के फेवर में युद्ध जो है समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इस बात को समझने लायक ये है कि एक छोटा सा राष्ट्र जिसमें इंटीग्रेशन इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कमिटमेंट था कि उसने जो है कई देशों के जो है इरादे को निस्तनाबूत कर देता है, और इसके बाद जो उसके पैर वहां पे हमेशा के लिए जो है मजबूत हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हित को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। और इस जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे जो युद्ध विराम हुआ, उस युद्ध विराम के बाद जो है यहाँ पे दो कार्य हुए, एक तो यहाँ पे जो है सीमा का निर्धारण किया गया, और दोनों के बीच में जो सीमाएं बनी उसे ही ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है, ये ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कि जो है यूएनओ ने जो है इसे इजराइल के रूप में मान्यता दे देता है, जो कि इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और इजराइल के लिए जो है इन सीमाओं को स्वीकार करना उसके जो है पक्ष में मानी जाने लगी, क्योंकि इजराइल स्वयं अपने अस्तित्व के लिए एक राष्ट्र की जो है कल्पना और उसको खोजने का प्रयास कर रहा था, जिसे कि यूएनओ के द्वारा मान्यता दिए जाने के रूप में पूरा होता है। निश्चित तौर पर अरब कंट्रीज के साथ फिलिस्तीन के लिए यह नागवारा गुजर सकता है, लेकिन फिर भी यूएनओ ने मान्यता दिया और इजराइल की जीत हो चुकी थी, तो फिलिस्तीन के सामने इसको मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। बात 1967 में आकर के होती है, 1967 में पुनः जो है दूसरा जो है युद्ध होता है यहाँ पे इजराइल और अरब कंट्री मान सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो फिलिस्तीन सामने युद्ध की स्थिति में नहीं आया, और हमेशा से जो है अरब कंट्री के लोग यानी कि जो मुस्लिम समुदाय के राष्ट्र थे वो मिल करके इस पर हमेशा से आक्रमण किया। और यहाँ पर भी जो है सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस दूसरी बार भी जो है इजराइल की ही जो जीत हुई, और इस बार जीतने के बाद वो जो है गाजा का एरिया जो है गाजा का एरिया और वेस्ट बैंक गाजा और वेस्ट बैंक के जो है काफी कुछ क्षेत्रों पर अगर देखा जाए, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के एरिया, इसके काफी भाग पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। यहां पर इसके काफी भाग पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, पूर्वी यरूशलेम पर भी उसने जो है कब्जा कर लिया। यहां पर एक और बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का उदय हुआ, चूंकि यहाँ पे जो वेस्ट बैंक का एरिया है यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय के लिए देखा जाए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये त्रिकोणीय स्थिति बताई कि इतिहास में धर्म की भी बात, तो यहाँ पे एक्चुअली धर्म का जो ट्रायंगल बनता है वहाँ पे ईसाई, यहूदी और मुस्लिम इन लोगों के लिए जो एक महत्वपूर्ण स्थल अपने अपने रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जो है लोगों के द्वारा अपने दावे किए जाते रहे हैं। यरूशलेम एरिया में जो है यरूशलेम के बेथलहम में जो है ये माना जाता है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे ईसाई और
जो है यहूदी अपना महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। इसी तरीके से मक्का और मदीना के बाद पूरी दुनिया में अगर मुस्लिम समुदाय के लिए देखा जाए तो अलक्सा यहाँ पे जो है मस्जिद है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह जो है प्रभुत्व के लिए जो है प्रयास किया जाने लगा कि वहां पर हम अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर सकें, उसे हम अपने कब्जे में जो है ला सकें। इसलिए इस बात को लेकर के यहाँ पर धर्म की भी बातें लोगों के मन में घर कर गई। यद्यपि युद्ध जब जब भी हुआ वो कभी भी धर्म का आधार वहां पर नहीं बना। और वर्तमान में भूगोल को लेकर के यानी कि दोनों ही समुदाय दोनों ही राष्ट्र जो है अधिक से अधिक भूभाग को अपने क्षेत्र में करने के लिए जो भौगोलिक आधार पर युद्ध करते रहे। और चूंकि इजराइल तो एक नया देश बना यानी कि 14 मई 1948 को, तो फ्यूचर में बात देखी जाए तो उसके लिए जो अस्तित्व का मामला था, ऐसी स्थिति में उसने अपना पूरा कमिटमेंट पूरा अपना डिवोशन लगाया अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने नागरिकों की शिक्षा में, अपने विज्ञान और तकनीक में। और उसी का परिणाम यह रहा कि दिन प्रतिदिन उसके न केवल सीमाएँ ही जो है बढ़ती गई बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। तो ये थी कहानी जो है इजराइल और फिलिस्तीन के जो है बीच की। अब इसको मैप पे हम लोग अगर देखते हैं तो एक ऐतिहासिक क्रम यहाँ पे दिखाई पड़ता है, एक ऐतिहासिक क्रम यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से पूर्व में 1948 को इजराइल छोटा था, उसके बाद युद्ध हुआ उसका क्षेत्र और विस्तृत हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ और उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ और बढ़ता बढ़ता गया और फिलिस्तीन वहां पे सिमटता चला गया। तो ये कहानी जो है 1948 से लेकर के 1967 और उसके बाद के पीरियड का रहा है। अब यहाँ पर ये तो दूसरा भाग था आज के इस लेक्चर का। तीसरा भाग हम भारत के साथ ही दोनों देशों के बीच में उत्पन्न होने वाले तनाव के बीच जो संबंध रहे हैं उसको समझने और देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। भारत के जो है क्या संबंध रहे हैं, सोवियत संघ यूएसएसआर कोलैप्स करता है 1991 में, उसके बाद पूरी दुनिया जो है अपने आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। पूरी दुनिया में पूंजीवाद को देखा जाए तो ज्यादा तवज्जो दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया। इजराइल भी कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रभावित देश था, अमेरिका उसके खेमे में माना जाता है और उसका वह सहयोग भी करता है, क्योंकि भारत को भी आर्थिक विकास के उच्च स्तर को जो है प्राप्त करना था, अपने देश में ऐसी व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियां आर्थिक विचारधारा को लागू करना था जिससे देश आगे जो है बढ़ सके। यद्यपि 1947 से लेकर के 1992 तक भारत के इजराइल से बहुत अच्छे संबंध तो नहीं थे, लेकिन बाद में भारत को अपनी सुरक्षा अपने विकास और आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुँचने के लिए उसे इजराइल के भी साथ अपने संबंधों को बढ़ाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखा जाए तो 1992 या 1990 के बाद जो भारत के संबंध इजराइल से भी बेहतर होने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ खाड़ी के देश या जिन्हें हम कह सकते हैं अरब कंट्रीज के देश, वहां से आर्थिक विकास में कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके पास ऊर्जा के रूप में पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स ना हो। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम के लिए भारत जो है कहीं ना कहीं खाड़ी देशों पर निर्भर था। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत के संबंध कहीं ना कहीं विकास को लेकर के अपनी सुरक्षा को लेकर के दोनों ही जो है गुटों से जो है दोनों ही राष्ट्रों से संबंधित होता है और भारत को दोनों ही राष्ट्रों के साथ अपने संबंध को बनाए रखने में ही जो है अपना हित दिखाई पड़ता है। इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में हमेशा से ही भारत कोई ऐसा रेडिकल स्टेटमेंट नहीं दिया या ऐसा कोई क्रांतिकारी या कोई ऐसा परिवर्तनकारी नीतियों में बदलाव नहीं किया जिससे कि उसका झुकाव किसी एक देश के प्रति दिखाई पड़ता हो। और इसको करने के पीछे की जो कहानी रही है वो क्यों रही है, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करते हैं। इजराइल के साथ भारत को अपने संबंधों को बनाए रखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत के जो है इजराइल के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा से संबंधित जो समझौते हैं, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो विज्ञान और तकनीक के आधार पर ऐसे ऐसे तकनीकों का ईजाद किया है जिससे वो सुरक्षा के मामलों में कम संसाधनों में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद के लेक्चर में हम आपको यहाँ की टेक्नोलॉजी जो कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो अपने आप को न केवल जो है मजबूत किया है बल्कि अपने आप की सुरक्षा को भी जो है दावा करता है, तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। खैर वो टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुरक्षा के संदर्भ में भारत के द्विपक्षीय समझौते हैं, कृषि प्रणाली में जो है भारत के इजराइल के साथ जो बेहतर संबंध है,
और क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन के रूप में अगर देखा जाए तो खाड़ी क्षेत्र का वो भाग है, तो उस तरीके से तो है, लेकिन अगर वो खनिज के मामले में देखा जाए या और भी प्राकृतिक संसाधनों को देखा जाए तो वहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि एक देश के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में उसका एक क्रांतिकारी पहल हुआ है। और भारत का अगर पश्चिमी क्षेत्र देखा जाए तो काफ़ी कुछ हुआ भाग जो है वो वर्षा पर आधारित है, क्योंकि भारत में भी लगभग 54% क्षेत्रफल जो है कहीं ना कहीं जो है मानसून का जुआ ही बना रहता है। तो वह ऐसी तकनीक का खोज करता है जिससे कम पानी में जो है कम जल में सिंचाई हो सके। तो कृषि के क्षेत्र में इसी तरीके से जल प्रणाली भी यहाँ का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है रहा है। तो ये सब ऐसे तकनीक, ये सारी जो है चीजें जो विज्ञान और तकनीक पर आधारित हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कोई ऐसा जो है कदम और पहल नहीं कर सकता जिससे वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को खराब करे। लेकिन दूसरी तरफ वो कोई ऐसा भी कदम नहीं उठा सकता जिससे उसका पूरा झुकाव इजराइल की तरफ दिखाई पड़ता हो और ऐसा करके वो जो है अरब कंट्री के साथ अपने संबंधों को खराब करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम, क्योंकि कोई भी औद्योगिक देश बिना पेट्रोलियम के आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे पूरी ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से पूरी होती है। तो पेट्रोलियम के लिए भारत जो है वो अरब कंट्रीज पर निर्भर है और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे उसके संबंध यहाँ पे खराब हो। तो हमारे पेट्रोलियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आतंकवाद की जो है स्थिति है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही आतंकवाद से जो है प्रभावित रहा है और आतंकवाद से यहाँ पे जनधन को नुकसान हुआ है, यहाँ के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर कई बार आक्रमण किए गए हैं। तो वो यद्यपि आतंकवाद के कई रूप हो सकते हैं किंतु वो फिर भी जो है किसी भी तरीके से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे उसके अपने पड़ोसी देशों से या इस्लामिक आतंकवाद से उसको जो प्रभावित होना पड़ा। तो इस तरीके से वो आतंकवाद के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करने के लिए, इन समुदाय के लोगों को अपने साथ रखने के लिए जो है वो इनके साथ अपने संबंधों को खराब करना नहीं चाहता है। और अगली बात यह है कि कामगार, एक चीज यहां पे यह ध्यान में रखना होगा कि भारत से काफी कुछ लोग जो है खाड़ी देशों में, अरब कंट्रीज में विभिन्न प्रकार के वीजा के तहत काम करते हैं और वहां से काम करके काफी मात्रा में मुद्रा भारत को भेजते हैं। और ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेशी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इनके द्वारा भेजे गए मुद्रा से वो ये सीधा जो है पेट्रोलियम अपने यहाँ आयात कर सकता है, जिसके बदले में उन्हें जो है अपने विदेशी मुद्रा को खर्च नहीं करना पड़ेगा या डॉलर को खर्च नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है, अगली बात जो है वो है भूभाग। भारत के तो महत्वपूर्ण जो भूभाग कश्मीर में पीओके और दूसरा चाइना की तरफ से जो है अक्साई चीन का क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन का क्षेत्र है जो भारत का भूभाग है और विभिन्न प्रकार के कारणों से और विभिन्न प्रकार के झड़प और युद्धों में वो दूसरे देशों के पास है। यदि वह इजराइल का पूरी तरीके से समर्थन करता है और उसके भूभाग के कब्जे का समर्थन करता है तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जाता है कि वो अपने ही भूभाग के लिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो है कोई प्रयास नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करके वो ये इस बात का संकेत देगा कि अप्रत्यक्ष रूप से वो इजराइल के इन नीतियों, साम्राज्यवादी नीतियों का वो जो है कहीं ना कहीं समर्थन करता है, तो वो स्वयं अपने ही भूभाग की मांग नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही बातों के ही जो पृष्ठभूमि में भारत के जो संबंध इजराइल और अरब कंट्रीज से रहे हैं वो बहुत ही संतुलित रहे हैं। और भारत को फ्यूचर में क्या करना चाहिए इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत चूंकि आतंकवाद से जो प्रभावित देश है, इसलिए चूंकि यहाँ पर फिलिस्तीन का वह समुदाय रहता है जो कि आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा देता है, जिसे हमास कह सकते हैं, हमास कहा जाता है, और हमास के द्वारा यहाँ पर लगातार जो है आतंकवादी गतिविधियां और राकेट या इस तरीके के जो है गतिविधि अपनाई जाती है और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से वो भूभाग पर कब्जा करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर हम फिलिस्तीन के तरफ से इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब इसराइल की तरफ से काउंटर अटैक किया जाता है, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और इसके क्षेत्रों को नेस्तनाबूत किया जाता है,
तो हम उस गतिविधि में ये इजराइल के लिए जो संदेश देना चाहेंगे, ये इजराइल से ऐसी अपेक्षा करना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी बात कहेंगे कि आतंकवाद और इजराइल की तरफ से अगर किया गया काउंटर के बाद युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर यह किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और इन दोनों ही जो पक्षों को, दोनों ही गुटों को, दोनों ही राष्ट्रों को वार्ता के लिए टेबल पर आना चाहिए और अपनी बात को रख करके शांतिपूर्वक इस मामले का जो है निस्तारण करना चाहिए, अपने क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन फील्ड में जो है हम निवेश करके अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। और इजराइल स्वयं इस बात का जीता जागता उदाहरण है। फिलिस्तीन को एक समझौते करने चाहिए जिससे इस क्षेत्र में शांति हो सके और शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज के इस लेक्चर में जो है कुल मिलाकर के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद के कारण रहे हैं उनको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया, इजराइल के उदय को देखने का प्रयास किया, भारत के इनसे क्या संबंध रहे उसको देखने का प्रयास किया और क्या संबंध होने चाहिए जो है इसको समझने का जो है प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में आप लोगों को समझ में आया होगा। यद्यपि इसमें काफ़ी कुछ बातें जो ऐतिहासिक क्रम में हमने देखा वो सीधा एग्जाम से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उस बातों को और उस अवधारणाओं को समझ करके हम अपने उत्तर को इतना प्रभावी बना सकते हैं कि एग्जामिनर जो है आपको उत्तर दे नंबर देने के लिए विवश होगा। और हमें परीक्षा में हर सवाल के लिए इसी तरीके का प्रयास करना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है और परीक्षा में सफल होना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः एक अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को नई दिशा में ले जाते रहिए। नमस्कार।